एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर जिसको दिल कहा जाता है, हम कनॉट प्लेस के अंदर हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच में हैं एडवोकेट रामवीर सिंह चौहान, जिन्होंने बाबा साहब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बाबा साहब को समझाया है, और अधिकतर जो संविधान की किताब है वो आपके हाथ में रहती है, कानून के ज्ञाता हैं। अभी एडवोकेट रामवीर सिंह चौहान जी ने बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी ली, जिन्होंने करीब करीब 272 कैंडिडेटों को लड़ाया, और आज क्या मजबूरी हुई कि इनकी अपनी एक पार्टी बनाने की बात हुई। आइए हम जानते हैं इनसे कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आप एक अधिवक्ता हैं और आप बहुजन समाज पार्टी में आपने एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक काम किया है आपने, तो आपका क्या कारण हुआ कि नई पार्टी बनाने का? बहुत, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी के जो उद्देश्य नीतियां हैं वो भारत में किसी भी पार्टी के पास ऐसी नीतियां नहीं हैं। लेकिन बाबा साहब की बात को मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि बाबा साहब ने कहा कि जो अच्छा संविधान गलत लोगों के हाथ में अगर चला जाएगा तो वो संविधान भी गलत साबित हो सकता है। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी का है। दिल्ली में जो लोगों की आशाएँ उम्मीदें हैं और बहुजन समाज पार्टी को जो चलाने वाले लोग हैं दिल्ली में, वो उनके पास ना कोई विज़न है, ना कोई नीतियां हैं दिल्ली की राजनीति को करने के लिए, ना वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व हम लोग चाहते थे कि वो समाज प्रतिनिधित्व करे, वो आगे मेन स्ट्रीम में आ जाए, उसको नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए हमें नई पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी। सर, आप बहुजन समाज पार्टी के अंदर प्रदेश महासचिव थे और आपने चुनाव लड़ाया, बहुत अच्छे तरीके से लड़ाया, तो क्या आपको वहाँ जिम्मेदारी का एहसास नहीं था? जिम्मेदारी का एहसास ऐसा नहीं है कि हमें एहसास नहीं था, हमने अपने लेवल पे जो हमें जिम्मेदारी दी गई पिछले कई सालों से लगातार हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को सिर्फ जो दिल्ली प्रदेश में नेतृत्व है वो ये सोचता है कि ये रिकवरी एजेंट है और उससे सिर्फ मेंटेनेंस लाओ, जमा कराओ, उसके अलावा उनके पास कुछ रास्ता नहीं है। कोई ना विज़न है, ना कोई पार्टी, कोई भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई कार्यक्रम नहीं मिलता, सिर्फ पार्टी की जो मीटिंग होती है उन मीटिंगों में सिर्फ चंदे का हिसाब होता है और चंदे के हिसाब के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। जो 2000 रुपये ज़्यादा चंदा देगा उसकी तालियां बज जाती हैं, जो कम देगा उसके लिए थू हो जाती है वहीं पे। इस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिप्रेस किया हुआ है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता, आज जब बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जी, अगर पार्टी का कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करने के लिए जाता तो बहुजन समाज का वोटर उससे नजरें बचा के छिपता हुआ फिरता है, उसे लगता है कि ये कहीं पैसे मांगने ना आए। जो वोटर हमें वोट दे के पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करता था, आज वो पैसे के चक्कर में ऐसा हालात बना दिए कि सिर्फ BSP पैसा कलेक्ट करने आती है और उसके अलावा BSP कोई राजनीतिक काम नहीं करती। किसी गरीब के हमदर्द, किसी आदमी के, जो समाज दबा कुचला समाज था, जो लोग पिछड़े थे, लोग थे, उनकी हमदर्दी, वो अपनी हमदर्दी चाहते थे, वो हिस्सेदारी चाहते थे सत्ता में, उनको हिस्सेदारी देने में नाकाम रहे। और एक दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जैसे कोई भी परिवार का बच्चा है, आप उसको पहली क्लास में एडमिशन कराओ, पहली क्लास में फेल होगा तो माँ बाप दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा माँ बाप, अगर वो बच्चा फेल हो जाएगा तो माँ बाप तीसरी बार ट्राई करते हैं, जब तीसरी बार भी बच्चा फेल हो जाएगा तो माँ बाप क्या करते हैं, कान पकड़ के उस बच्चे को किसी काम में लगाते हैं, ये तो नालायक है, पढ़ नहीं पाएगा। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का हाल हुआ कि जो वोटर जो विश्वास करता था कि बहुजन समाज पार्टी हमारा नेतृत्व करेगी, हम लोगों को आगे बढ़ाएगी, आज वहाँ हालत ये हुई कि वो वोटर छोड़ के भाग गया। 2013 में सारा वोटर हमारा आम आदमी पार्टी ने छीन लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया, कोई रणनीति नहीं बनाई गई कि हमें इस वोटर को अपने समाज को, जो हमारा जिस समाज की हम राजनीति कर रहे हैं उनको हमें वापस लाना है, उसके लिए कोई रणनीति नहीं गई। चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में कार्यकर्ता नहीं, हमारे पास एक विधानसभा में 4 आदमियों के नाम आते हैं, वो 4 आदमी अगर 3-4 लाख लोगों के बीच में कहाँ तक भागेंगे, वो कोई कार्यकर्ता नहीं। आज हमारे पास प्रदेश लेवल पे, विधानसभा लेवल पे संगठन नहीं है, और जो प्रदेश की मीटिंग होती है उसमें मुझे खैर आप तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पार्टी जब हमने अपनी नई फॉर्म कर ली है, बट फिर भी मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ समाज के लोगों को कि वहाँ जो गांधी के 3 बंदर जिस तरीके से बैठते थे,
ऐसा हाल है कि प्रदेश का एक आदमी बोलेगा और वो सिर्फ बाबा साहब की बात शुरू करके बाबा साहब पे ख़त्म करेगा। दिल्ली की राजनीति किस तरीके से होनी चाहिए या मिशन किस तरीके से चलना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं है। सिर्फ एक आदमी बोलता है और बाकी जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो अपने मुँह पर टेप लगा के चुप होकर बैठ कर सुनते रहते हैं और मीटिंग ख़त्म हुई, उस एक आदमी के भाषण के साथ ही मीटिंग ख़त्म हो जाती है, काम ख़त्म। कोई कारण कुछ नहीं है कि आप वहाँ कुछ लेने के लिए जाओ। और यही कारण है कि आज बसपा की जो हजारों की कार्यकर्ताओं की भीड़ होती थी आज वो 100 से भी नीचे आके सिमट के रह गई है। मीटिंगों में जो प्रदेश स्तर की मीटिंग है उसमें 100 लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। सर, आपने भी जो तीन बंदर बताए थे, तीन बंदर का जो आपका मकसद है वो किन लोगों पर टारगेट करता है? मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जब बहन जी ने पार्टी बनाई है, बहन जी चाहती हैं कि नेतृत्व दें, तो जो तीन लोग और बैठे हैं दिल्ली प्रदेश में, चार लोग नेतृत्व करते हैं। मैं तो साफ कह रहा हूँ, किसी को एक्शन लेना ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। चार लोगों को दिल्ली प्रदेश में, एक अध्यक्ष है, तीन प्रभारी हैं, एक ही प्रभारी बोलता है, उसके बाद तीन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है वहाँ पे, वो चुप होकर बैठे रहते हैं। किसी को ये नहीं है कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ, नहीं, बात रखने का हक नहीं है वहाँ पे, किसी को बोलने नहीं देते। दो घंटे एक प्रभारी बोलेगा, उसके बाद काम खत्म। राजनीति करनी है। अगर दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रदेश में हालांकि हम अपना नया सिस्टम ला रहे हैं, लेकिन बसपा जिस तरीके से दिल्ली में राजनीति कर रही है, जिन लोगों के कहते हैं कि भाई यूपी में बहन जी ने ये किया, मैं कहता हूँ यूपी में बहन जी ने बहुत अच्छा किया, बहन जी के प्रति हमारा सम्मान है, उनका हम आदर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लोगों को भेजा जा रहा है, अगर वो लोग इतने कैपेबल थे तो उन्हीं लोगों ने ये कह के बहन जी को हराया कि अब की बार हम देख लेंगे। 2012 में बहन जी को चुनाव हरा दिया, उसके बाद 2017 में क्या हुआ, उन्हीं लोगों ने बहन जी को दोबारा चुनाव हरा दिया, और वही लोग पूरे भारत में बहन जी ने फैला रखे हैं कि भाई आपको इसकी बागडोर, इसकी बागडोर। नेतृत्व बहन जी क्यों नहीं पैदा होने देती? हर क्षेत्र में, हर गली मोहल्ले में बहन जी नेतृत्व पैदा होने दी। अगर वो नेतृत्व पैदा होता तो बहन जी को 15 मार्च 2017 को ये नहीं कहना पड़ता बहन जी को कि मुझे और स्टेट से सपोर्ट नहीं मिल रहा, सारे लोग, सबका फोकस यूपी पे हो जाता है, बाकी दिगर पार्टियों का, और वो किसी दूसरे स्टेट पे फोकस नहीं करती। अगर बहन जी के मन में ये कुंठा है तो ये साबित करता कि बहन जी अलग प्रदेशों में, जो बाकी प्रदेश हैं उनमें सही ढंग से नेतृत्व नहीं दे पाई। अगर वहाँ नेता खड़े हो जाते तो बहन जी की एक जबान पे करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते और उस चीज़ का विरोध करते। बहन जी को अपना इलेक्शन का जो कार्यक्रम था, उन्होंने कहा हर 11 तारीख को महीने की वो कार्यक्रम दिया उन्होंने कि ईवीएम का विरोध किया जाएगा। और क्या ऐसा क्या कारण बना कि बहन जी को वो कार्यक्रम वापस लेना पड़ा? जनता के बीच में जो जाने का कार्यक्रम था बहन जी का, वो वापस जाना पड़ा। दूसरा, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही हैं जी, इन पे हम अपना संसाधन वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहे, उन लोगों को हम परेशान करके मीटिंगों में ला रहे हैं लाखों करोड़ों की भीड़ दिखा के, और उनको, जिन लोगों से हमारी लड़ाई है उनको हम सचेत कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो भीड़ बहुत है। इससे वो लोग सचेत हो रहे हैं और उन लोगों को मौका मिल रहा है कि इन लोगों के बीच में डिवीज़न कराओ। ये ड्रॉबैक है जिनकी वजह से पार्टी फेल हो रही है। तो बगल साहब, ये माना जाए कि जो बहन जी को जो आज जो गुमराह कर रहे हैं, जो ये कोऑर्डिनेटर गुमराह कर रहे हैं, या बहन जी जो कोऑर्डिनेटरों की बात ज़्यादा मानती हैं, कोऑर्डिनेटर गुमराह कर रहे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहन जी किसकी बात मानती है ये तो हम, क्योंकि हम लोग वहाँ तक तो पहुँचते नहीं। वहाँ बहुजन समाज पार्टी का एक आम कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाता है, उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, वो कैसे बताया गया? मेरे जैसा कार्यकर्ता जो इतने लंबे समय तक काम किया मैंने, जब मैं ही नहीं बता पा रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत ही, हमारे एंट्री करने की हिम्मत नहीं, तो वो कैसे बता पाएगा कि बहन जी किसकी बात मानती किसकी नहीं मानती? ये बात तो बता ही नहीं सकते। ये तो बहन जी के विवेक पे है कि बहन जी किसको वेटेज दे रही हैं, किसको नहीं दे रही हैं, या किसकी सलाह पे बहन जी चल रही हैं। जब बहन जी, अगर लखनऊ के मंच पे, जब हम जिन लोगों से, जिस व्यवस्था से हमारी लड़ाई है, लखनऊ के मंच पे, वहाँ पे हम शंखनाद करवाते हैं, मंत्रोच्चारण करवाते हैं, तो ये एक ट्रेंड चेंज हुआ जिसकी वजह से लोग नाराज हैं। वो ट्रेंड बहन जी को बदलना चाहिए। बहन जी की प्रेजेंस में मंत्रोच्चारण हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, तो जो लोग आए थे ये समझ गए कि हम उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी थी, हम वही व्यवस्था हमने खुद पार्टी में इन्वॉल्व कर ली। अब जब पार्टी के अंदर वो व्यवस्था आ गई है तो लोग कैसे साथ देंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को? बकरी साहब, जैसे कि अभी आपने वो बहन जी की बात करी और पार्टी की बात करी, और आपने अच्छे तरीके से बताया कि हमारे बहन जी से किसी तरीके का कोई परहेज नहीं है। सर, जो आपकी जो पार्टी है, जो आपने जो पार्टी बनाई है, इसका क्या नाम रखा है? पार्टी का नाम रखा है आपकी अपनी पार्टी।
आपकी अपनी पार्टी, तो ये जो आपकी अपनी पार्टी है कि मतलब किस आइडल पे काम करेगी, किन चीजों को लेके चलेगी, या बाबा साहब को आगे लेके चलेगी, या जो आज जो आपने मनुवाद की बात करी तो ये सबको लेके चलेगी? जो आपकी अपनी पार्टी है उसके जो फ्लैग है उसके अंदर रेनबो हमने रखा है। रेनबो है कि समाज की अलग अलग धाराओं को रिफ्लेक्ट करता है, उस समाज की अलग अलग धारा विचारधारा साथ साथ वो दिल्ली जैसे, दिल्ली अब पूरे भारत की मैं बात करूं तो पूरा भारत एक रेनबो है, इसमें अलग अलग धर्म अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। अगर उस कलर को हम अलग करते हैं तो वो एक अलग कलर की पहचान हो जाएगी, वो रेनबो नहीं बन पाएगा। तो भारत की संस्कृति, भारत का सेकुलरिज्म और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन सबको मिलाने की बात करिए, यूनिटी की बात करिए। अगर आप यूनिटी रखते हैं तो देश बनता है, अगर आप विखंडन करेंगे तो यहाँ पे आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतलब आपका मानना हुआ समाज, हम तो आपका मानना है कि हम धर्मनिरपेक्ष की तरीके से, जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसी के तहत हमने जब पार्टी का ये गठन किया है। बिल्कुल, हम उसी आइडियोलॉजी पर, और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को भी बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले लगभग 2 महीने लगातार मैंने स्टडी की और मैंने पाया, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, कोई एक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, भारत की पूरे देश की जनता को ये बात जान लेनी चाहिए कि भारत की भारतीय जनता पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करिए, जैसे उन्होंने एक जगह लिखा है कि हम एंशियंट वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे। एंशियंट वैल्यूज़ को प्रमोट करने का मतलब है कि जो बाबा साहब ने कहा कि भाई यहाँ समानता का अधिकार, वो मनुवाद की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, तो देयर इज़ ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट एंड दे आर नाउ एट दिस स्टेज देयर इंटरेस्ट इज डोमिनेटिंग बिकॉज दे कैप्चर द पोलिटिकल पावर, दे हैव ऑलरेडी कैप्चर द पोलिटिकल पावर, तो दे विल इम्प्लीमेंट देयर एजेंडा बिकॉज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इफ यू विल सी द सेकेंड पैरा ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल यू विल फाइंड It is mentioned that we will promote the ancient values. Ancient values, what is the ancient values? We were the depressed class and they were the oppressed class. Yeah. They were the upper class. Mm. And secondly, if you will see on the currency notes, you will find the Gandhi, Mahatma Gandhi as well as his chasma. That is also in the constitution of the Bharatiya Janata Party. They say we will approach the Gandhian social economic approach. It is mentioned in the constitution of Bharatiya Janata Party. So, if our political leaders are so illiterate, they could not find what is the approach of the Bharatiya Janata Party, they could not expose these things. They have to expose the things before the public. कि भाई आपके आपके संविधान में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम भी अपने संविधान में कुछ चीज़ें लेके आए हैं। हमने कहा कि जो इनका बेस्ट हथियार है, जो व्यवस्था को तोड़ने के लिए बेस्ट हथियार है, जो कांसीराम साहब हैं, बसपा के फाउंडर हैं, बसपा के फाउंडर ने हर बार ये बात कही कि भाई आप इनके 6 हथियार हैं। चौन साहब, हथियार की बात में करेंगे हम, जैसे कि पार्टियां बनती हैं, कुछ दिन चलती हैं और वो एक ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, क्या आपका भी यही मानना है? ठंडे बस्ते में जाने के लिए आपके, अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है, जब कांसीराम साहब कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया, अगर आप पार्टी को अपनी जेब में रख के बैठ जाओगे, आज बसपा इतनी बड़ी पार्टी थी, आज वो सिमट के जेब की तरफ जाने लग रही है। क्यों? आपने कारवां को आगे बढ़ाया ही नहीं, लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने अपनी पार्टी, अब पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखी है, सबको अवसर सबको भागीदारी, सभी लोगों को अवसर मिलेगा, सबको भागीदारी दी जाएगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो ये फिंगर रेंज कर सके, कि जी रेंज कर सके कि मुझे हिस्सेदारी नहीं मिली है। हमने इस कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। वकील साहब, किसी चीज़ को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए या पार्टी को चलाने के लिए उसमें एक धन की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, तो इतना बड़ा सेटअप आप चलाने के लिए ये पैसा अरेंज कहाँ से करेंगे? पैसा, अगर कांसीराम साहब कहते हैं एक वोट एक नोट, एक नोट एक, वो तो पुरानी बात हो गई, आजकल के टाइम में तो अगर आप किसी भाई को भी कहोगे भाई जरा ये यहाँ तक एक पेपर लिया, वो भी कहेगा भाई मेरे को तो गाड़ी दे दो। जब व्यवस्था चले, जब सिस्टम चलेगा तो धन कोई मुश्किल काम नहीं। धन की वजह से मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी आसानी से एक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि बिना धन के इस देश में भारतीय जनता, बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई,
और धन की वजह से, अगर धन की, धन को हम प्रिवेल करते, अगर मनी प्रिवेल करती तो आज नरेंद्र मोदी जो चाय वाला अपने आप को बताता उसकी जगह अंबानी प्रधानमंत्री होता देश का, देश का प्रधानमंत्री चाय वाला ना होके अंबानी होता। तो धन कोई मैटर नहीं करता, धन जब व्यवस्था, जब हम व्यवस्था खड़ी करते हैं तो धन अपने आप रास्ता बना लेती है, वो व्यवस्था अपने आप रास्ता बना लेती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अरेंज होगा। अच्छा, पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, आप अपनी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी का उद्देश्य हमने आपको बताया अभी, हमने चार शब्दों को, चार शब्दों और एक स्लोगन को हमने इंगित किया है कि पार्टी ने चार शब्दों को चुना है, स्वाभिमान, समृद्धि, सम्मान और स्थायित्व। हम ये देख चुके हैं कि हमारे हम जो जिस क्लास के लिए, जिन समाज की एक गरीब विचार, गरीब धारा भी है, जो गरीब लोग हैं उनको समाज में जो थोड़ा संपन्न आदमी है वो खड़ा होकर बोलने तक नहीं देता उनको, वो अपने हक की बात करते हैं, उनको बोलने तक का राइट नहीं है, तो वो आदमी कॉन्फिडेंस के साथ, स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके। दूसरा, हमने समृद्धि की बात की। मैं इस चैनल के माध्यम से भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो इस देश में रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं जो लोग, और जो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, मैं दोनों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि रिजर्वेशन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम सिर्फ नौकरी पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्योंकि हमने सिर्फ नौकरी की ही लड़ाई लड़ी अभी तक जी, इसलिए हम लोगों की लड़ाई सिमट के रिजर्वेशन तक रह गई है। हमने समृद्धि की बात करी, दूसरा शब्द हमने समृद्धि चुना है। हमें दूसरे वैकल्पिक इनकम के रिसोर्सेज पे भी अटैक करना चाहिए, जो जितने भी संसाधन हैं उनका समान बंटवारे की बात हमें रखनी चाहिए। अगर इस देश में कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इस देश में सड़क बनाने का, नाली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, सड़क बनाने से लेके हवाई जहाज और फाइटर प्लेन बनाने तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो उसमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि आर्थिक रूप से दलित सक्षम है, तो मैं सरकार से भी बोलता हूँ ये बात, मैं सरकार को भी चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि जो लोग सक्षम हो चुके हैं आप उनको टेंडर रिजर्व करो। अगर आप डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल की, बहुत सारे, इतने सारे हमारे दलित लीडर बार बार डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी की बात चिल्लाते हैं, लेकिन आपने सड़क पे काम कहाँ किया है? डाइवर्सिटी के लिए आपने कब कहा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला? आपको नाली खरंजे का कॉन्ट्रैक्ट में अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उसमें 22.5% का हिस्सा मिलना चाहिए या 49% का हिस्सा मिलना चाहिए? ओबीसी समाज के लोग हमारे, जैसे ही राजनीति आगे बढ़ती है, जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ेगी, जब भी जो 80 और 85% लोग आगे बढ़ेंगे तो एक षड्यंत्र हो जाएगा, और वो षड्यंत्रकारी लोग प्रिवेल कर रहे हैं और हम लोग पीछे हटते जा रहे हैं। हमारे पास तादाद भी ज़्यादा है, हम इनको कमा के देते हैं, ये हमें नहीं कमा के देती। अगर हम इनके लिए कमाना छोड़ दें, अपने लिए कमाना शुरू करें, तो हमारे अंदर समृद्धि आएगी, हमें संसाधनों पे कब्जा करना पड़ेगा। चौहान साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप अब ये बताएं कि इस भारत के अंदर, कि आप इस भारत को आरक्षण युक्त चाहते हैं या आरक्षण मुक्त चाहते हैं? अभी आरक्षण की बात की आपने, आरक्षण मुक्त की बात हम कभी नहीं कर सकते हैं। आरक्षण क्या है, ये एक लंबा संघर्ष है, हमारे महापुरुषों की त्याग और तपस्या की देन है। उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ कि बाबा साहब ने जब जिस समय संविधान को हैंडओवर किया, कॉन्स्टिट्यूशन को हैंडओवर किया, तो उन्होंने कहा आज हम दोहरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वन मैन वन वैल्यू। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमताएं बनी रहेंगी। अगर सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमताएं बनती हैं तो ये एक नए संघर्ष को जन्म देंगी। बाबा साहब ने आर्थिक विषमता को कम करने के लिए, जो उनका सेपरेट सेटलमेंट की बात थी, आपको जानकारी है सेपरेट सेटलमेंट इंप्लीमेंट कहां हुआ है? अगर सेपरेट सेटलमेंट इंप्लीमेंट होता तो ये जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, ये सब धनवान होते, इनके पास साधन होते, सभी के पास, किसी के पास जमीन होती, किसी के पास खान होती। तो रिजर्वेशन, मैं ये, मेरा कहना ये है कि जो भी हमारा समाज है या जो लोग रिजर्वेशन के पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं, मैं भी पॉजिटिव हूँ रिजर्वेशन के बारे में, पर मैं ये कहता हूँ कि हमें एक एक्सेस बनाना चाहिए अपने लोगों के लिए। जो लोग संपन्न हमारे होते जा रहे हैं, एक तो चीज़ ये कि रिजर्व, आप बार बार एक जिक्र आता है रिजर्वेशन के बारे में, मैं कहता हूँ बाबू जगजीवन राम जिस समय मंत्री थे उस समय उनके पास सबसे ज़्यादा धन दौलत थी। आज बहन जी हैं, बहन जी राष्ट्रीय नेता हैं, उनका सबसे बड़ा सम्मान है, उनके पास पैसे की कोई, लोगों के अकॉर्डिंगली वो दौलत की बेटी हैं, तो क्या उनको दौलत की बेटी की बात लोग करने वाले तो दलित की बेटी क्यों कहते हैं उनको? जी, उनको दलित की बेटी क्यों कहते हैं? उनको दलित की बेटी कह रहे हैं इसलिए तो रिजर्वेशन की जरूरत है कि पैसा, रिजर्व पैसे की वजह से जाति खत्म नहीं हो जाती।
बाबू जगजीवन राम के पास उस टाइम सबसे रिचेस्ट आदमी थे स्विस बैंक में, बताते हैं उनके पैसे थे, लेकिन क्या उनकी उनका जाति के नाम पे उनको प्रधानमंत्री बनने दिया गया? जाति के नाम पे उनको प्रधानमंत्री बनने दिया गया? आप व्यवस्था थोड़ा, मैं भारत की सरकार और जितनी भी सरकारें हैं देश में, मैं उनके सामने ये बात रखता हूँ कि अगर आपको सही मायने में ये जो बड़े बड़े नारे लगा रहे हो कि राष्ट्र देशभक्ति, तो देशभक्ति अगर करनी है तो भारत में, भारत की पार्लियामेंट में कास्ट एबोल्यूशन एक्ट इंट्रोड्यूस करो। भारत की संसद में आप कास्ट एबोल्यूशन एक्ट इंट्रोड्यूस करो। इस देश में कोई जाति नहीं होगी, और जब जाति नहीं होगी तो फिर प्रतिस्पर्धा होगी। आप बराबरी की बात तब करें, पहले कास्ट एबोल्यूशन समाज की, समाज में खत्म करें जातिवाद। सर अब आप आम आवाम से, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमने जो रेनबो बहुजन समाज पार्टी से हम निकले, हमने कहा कि नीतियां ठीक नहीं हैं, अब हम रेनबो लेके आए हैं। रेनबो का मतलब है सारी विचारधाराएं एक साथ पैरेलल चलेंगी और वो एक सुंदर झांकी दिखाई देगी। अगर हम एक कलर को भी अलग, समाज की एक भी ईंट को हम अलग निकाल कर रख देते हैं तो वो मकान, अगर किसी मकान की एक ईंट को आप निकाल दोगे तो वो मकान कमज़ोर हो जाएगा, वो गिर जाएगा मकान। ऐसे ही देश है, अगर देश को आप जातियों में और धर्म के नाम पे बांटते रहोगे तो ये देश कमज़ोर होता चला जाएगा, और जब पहले गुलाम थे आज भी गुलाम हो जाएंगे हम। तो इस गुलामी की प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें इन ईंटों को मजबूत करना पड़ेगा। आप जो आज जो शासन व्यवस्था चल रही है, जो देश में सिस्टम चल रहा है, वो देश की ईंटों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग को गिराने का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। जब सभी लोग जुड़ेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो देश बनेगा। लोगों के बिखराव से देश नहीं बनता, लोगों के बिखराव से टुकड़े बनते हैं और टुकड़ों को तोड़ दिया जाता है।